हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव ट्रेडिंग पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 29 है। तो मार्केट के ओपन होने के बाद जब 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया है 43,200 के कॉल में। मेरा एंट्री प्राइस है 171 पे। इसमें मेरा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 1:3 रेशियो के रिस्क रिवार्ड से 51 पॉइंट का टारगेट लेंगे। तो चलिए फर्स्ट ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है गाइस और मैं आ चुका हूँ मार्केट से बाहर। अब देखते हैं, मौका मिलता है तो हम सेकंड ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो मौका मिलने पे मैंने सेकंड ट्रेड में भी एंट्री ले लिया है। इस बार मैंने एंटर किया है 43,000 के कॉल में। मेरा इस बार भी क्वांटिटी है 30 क्वांटिटी और एंट्री प्राइस है 222 का। और इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इसमें 20 पॉइंट्स का रहेगा और टारगेट रहेगा 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही। और आगे अगर मौका मिलेगा तो ट्रेल भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा देर बाद इस ट्रेड का क्या होता है। तो सेकंड ट्रेड अच्छा चला गाइस। उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद ये मार्केट पलटने लगा। तो टारगेट तो नहीं हिट किया लेकिन मार्केट पलटने लगा तो मैंने अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया। नौ तो थर्ड ट्रेड में भी मैंने एंट्री ले लिया है गाइस। टाइम हो रहा है 11:54। तो मेरा इस बार भी एक बुलिश ट्रेड ही है 42,900 के कॉल में। 30 क्वांटिटी में ट्रेड है। मेरा एंट्री प्राइस है इसमें 145 पे। तो इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट हम लेंगे 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। तो टारगेट होगा हमारा 45 पॉइंट का। तो 190 में हमारा टारगेट है। तो अब बाकी अगर मौका मिलता है तो 15 क्वांटिटी ही अपना टारगेट पे एग्जिट करेंगे और बाकी 15 क्वांटिटी को हम ट्रेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर बाद स्ट्रेट का आगे क्या होता है। तो काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मेरा थर्ड ट्रेड भी फाइनली प्रॉफिट में आ चुका है। इसको हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख देते हैं, कॉस्ट पे लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको ट्रेल करेंगे और टारगेट मिलता है तो हम टारगेट पे एग्जिट करेंगे। तो 15 क्वांटिटी हम अपना टारगेट प्राइस पे एग्जिट कर चुके हैं 190 पे और बाकी 15 क्वांटिटी को हम ट्रेल कर रहे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दिए हैं। बाकी ये अभी तो नीचे आ गया है। देखते हैं अगर इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमारा और भी लंबा टारगेट मिल सकता है। तो देखते हैं थोड़ा देर बाद दोस्तों। सेकेंड ट्रेड थर्ड ट्रेड में तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और प्राइस आ चुका है 240-50 के आसपास। तो यहाँ पे भी हम ट्रेल ही करेंगे लास्ट तक, मार्केट के बंद होने तक ट्रेल करेंगे और देखते हैं हमारा आज कितना प्रॉफिट बुक होता है। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर से देखते हैं। तो तीसरा ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं मार्केट से हो गया बाहर। 2,000 का प्रॉफिट लॉक हुआ था। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था दोस्तों निफ्टी 50 में और उसमें भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था 500 के लॉस में। तो मेरा फाइनली प्रॉफिट बचा 1,500 का। तो आज तो ओवरऑल ओवर ट्रेड ही हो गया। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।